हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट फैशन। आज हम बात करेंगे कसूती के बारे में। कसूती क्या है, कहाँ पे की जाती है, कौन सी स्टेट की है, आज हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले कसूती क्या है। कसूती जो है एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। कहाँ की है, कौन सी स्टेट की, अगर हम ये देखें तो जो कसूती है हमारी वो है कर्नाटका की। तो अगर हम इस टर्म के बारे में बात करें कि इसे कसूती ही क्यों बोला जाता है, तो अगर हम इस टर्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है आपकी कई, सेकंड है आपकी सूती। तो कई का मतलब होता है हैंड और सूती का मतलब होता है कॉटन थ्रेड। तो इन दो टर्म को अगर हम जोड़ते हैं तो इसी से हम जो हमारी जो कंप्लीट टर्म है दैट इज योर कसूती वो बनी है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि कसूती की हिस्ट्री क्या है। तो कसूती जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें क्या बताया गया है हिस्ट्री में कि जो एम्ब्रॉयडरी है, आर्ट वर्क है, ये पास किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, पर्सन टू पर्सन। इसमें क्या बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर हैं वो ये आर्ट अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने डॉटर इन लॉ को और जो उसके नेबर्स हैं उनको टीच करती है। ऐसे ही ये जो एम्ब्रॉयडरी है जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती आ रही है। उसके बाद इसमें जो कसूती है उसका कस्टम मेड भी गारमेंट बनाया जाता है, ब्राइडल वेयर गारमेंट भी बनाया जाता है, जिसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया चंद्रकला साड़ी के साथ। चंद्रकला साड़ी जो है सिल्क की साड़ी होती है, ब्राइडल वेयर साड़ी होती है जिसके बॉर्डर पे प्रॉपर कसूती वर्क किया जाता है, और जो कसूती के मोटिफ हैं वो आपको प्रॉपर साड़ी के बॉर्डर पे और जो उसका ब्लाउज है उस पे देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट इज मोटिफ्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। अगर मोटिफ की बात करें तो इसमें जो मोटिफ यूज किए जाते हैं आपके, इसमें फॉलिएज मोटिफ, फ्लावर मोटिफ, एनिमल मोटिफ, बर्ड मोटिफ, गोपुरा, स्टोरी टेलिंग, ये सारे जो मोटिव्स हैं ये बताए गए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टिचेस की, जो आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं कसूती उसमें कौन से स्टिचेस यूज किए जाते हैं। तो हमारी जो कसूती है इसके फोर बेसिक स्टिचेस हैं, दैट इज योर गवंती, मुर्गी, नेगी एंड मेंथी। ये फोर स्टिचेस हैं जिसके साथ जो आपकी कसूती है वो की जाती है। सो अब हम बात करेंगे गवंती स्टिच के बारे में। गवंती स्टिच क्या है। गवंती स्टिच को डबल रनिंग स्टिच भी बोला जाता है। किस पे की जाती है, दसूती फैब्रिक के ऊपर की जाती है। इसमें ये कैसे फॉर्म किया जाता है, जो भी आप दसूती का फैब्रिक है जिसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 जो ये वाले कॉलम्स हैं, पहले आप जो रनिंग स्टिच कर रहे हैं उसके अंदर ये जो स्टिचेस हैं थ्रेड है पास करेंगे। देन उसके बाद आप उसी में रिवर्स फॉर्म में आएंगे, सेम थ्रेड ऑफ कलर जो है आप यूज करेंगे और जो बीच का आपका गैप है उसे दोबारा से फिल करेंगे। तो ये वाला जो स्टिच है ऐसे किया जाता है हमारा गवंती स्टिच, जैसे यहाँ पे इमेज में देख के आपको क्लियर हो गया होगा। और जो ये हमारा गवंती स्टिच है ये मूव के कौन कौन से डायरेक्शन में करता है, तो ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर आप इसके बैक साइड देखें और आप इसके फ्रंट साइड देखें तो दोनों साइड से जो ये स्टिच है हमारा सेम दिखता है। जो आपका दैट इज योर मुर्गी, मुर्गी स्टिच को जिगजैग स्टिच भी बोला जाता है। ये अगर आप इसकी अपेयरेंस देखें, अगर आप इसकी लुक देखें तो ये स्टेयर केस जैसा लगता है देखने में। जो ये वाला स्टिच है, जैसे अभी आपको मैंने गवंती स्टिच करवाया समझाया सेम एज इट इज़ वैसे ही है। इसमें जो इसका अगर आप इस वाले स्टिच को देखें तो इसमें क्या होता है, पहले आप हॉरिजॉन्टली जो भी आपका फैब्रिक है, जो भी आपका मोटिफ आप बना रहे हैं उसमें जो भी आप यार्न फील करेंगे पहले आप हॉरिजॉन्टली मूव करवाएंगे उसे। देन उसके बाद में जब आप वही रिवर्स में आते हैं तो ये जो आपका यार्न है वर्टिकली मूव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, मुर्गी स्टिच बोलते हैं। इसमें भी जो आपकी फ्रंट है एंड बैक है दोनों सेम ही दिखेगी और काफ़ी यूनिफॉर्म डिज़ाइन होता है।
अब है हमारा नेगी। जो नेगी है वो कसूती की थर्ड टाइप है। जो कसूती स्टिच है हमारा, ये डार्निंग स्टिच के जैसे ही होता है। इसमें जो स्टिच लेंथ होती है, समटाइम शॉर्ट होती है, समटाइम लॉन्ग होती है, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन होता है ये। और जो ये यार्न है आपका, जो आपका फैब्रिक है, आपका फैब्रिक का जो सरफेस है उस पर क्या करता है, ये फ्लोट करता है। और अगर आप इसकी फ्रंट से अपेयरेंस देखें और बैक से आप इसे देखें, तो दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। ओके, सो फोर्थ टाइप है हमारी मेंथी। मेंथी स्टिच जो है उसे क्रॉस स्टिच भी बोला जाता है और फिलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका नेगी स्टिच है, मेंथी स्टिच भी वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा वाइस वैसा है। इसमें जो स्टिच है हमारा, जो उसकी फ्रंट साइड है वही आपकी नेगी में बैक साइड है, और जो उसकी बैक साइड है वही इसका फ्रंट साइड है। और जो हमारा मेंथी स्टिच है बिल्कुल छोटा छोटा किया जाता है, फिलिंग पर्पस के लिए किया जाता है, और जहाँ पे हमारे को ज़्यादा मोटिफ में फोकस की ज़रूरत है वहाँ पे किया जाता है। अब हम बात करेंगे थ्रेड के बारे में कि कौन से ऐसे थ्रेड हैं, कौन से ऐसे यार्न हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें कॉटन और सिल्क जो थ्रेड है वो हम यूज़ करते हैं। जो कॉटन है, कॉटन के थ्रेड में हम जो ब्रांड प्रेफर करते हैं, दैट इज़ योर कोहिनूर, एंकर एंड डॉली, ये तीन ब्रांड हैं जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हम सिल्क के भी जो यार्न है वो भी यूज़ करते हैं, पर इसमें जो यार्न यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ योर ट्विस्टेड यार्न। थ्रेड जो है हमारे, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके मोटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा बना रहे हैं। सपोज करो अगर आप बहुत ही फाइन काम करना चाहते हैं, उस केस में जो आपका यार्न है, जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं वो आप कम लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फाइन वर्क करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो यार्न सॉरी जो आपका स्ट्रैंड होगा आप वन लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो अगर आप कोई पिक्टोरियल मोटिफ बना रहे हैं, कोई डेकोरेशन पर्पस के लिए कुछ आप स्टिच कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ जो स्ट्रैंड होंगे हमारे 3 प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो आप इसमें निडल यूज़ करते हैं वो बॉल पॉइंट निडल यूज़ करते हैं आप, ताकि ईजली जो आपका निडल है आपके फैब्रिक में से पास हो जाए। अब हम बात करेंगे कलर के बारे में कि कौन से कलर हैं जो हम कसूती एम्ब्रॉयडरी में प्रेफर करते हैं। तो इसमें जो हम कलर प्रेफर करते हैं दैट इज़ योर रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ये जो कलर हैं हम यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से कलर हैं जो ज़्यादा हम इसे इसमें जो है नहीं प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज़ योर ब्राइट पिंक कलर, पेल ग्रीन कलर, लेमन येलो कलर, जो ये वाले कलर हैं बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको 4 कलर बताए हैं, दैट इज़ योर ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल एंड रेड, ये ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है हमेशा डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर के साथ की जाती है। यही क्या है, यही जो है हमारी कसूती की प्योरिटी है। जो भी हमारे कसूती का जो ट्रेडिशन है, जो भी हमारे कसूती का कल्चर है, वो हमारे को यहाँ से ही पता चलता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।